दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 24 सितंबर 2021 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशि फल शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:30 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र के चंद्रमा हो जाएंगे। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आइए जानते हैं। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले राशियों क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास जाने वाला है। सबसे पहली स्थिति तो उन लोगों के लिए अच्छी होने वाली है जो किसी के साथ में दोस्ती में भी नहीं है, बिल्कुल सिंगल हैं। उन्हें कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, जो दोस्ती के रूप में बहुत अच्छा व्यक्ति आपको मिलने जा रहा है। आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, बातचीत हो जाएगी आपके पार्टनर से आपकी। कई बार तो ऐसी स्थितियाँ भी कई लोगों के साथ में हो जाती हैं इस चंद्रमा के स्थिति में, जो आज के दिन ज़्यादातर होंगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वहाँ पर ख़त्म करने के बाद में पछताना पड़े कि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आए तो आए क्यों, तो ये भी एक परेशानी बन जाती है। लव लाइफ में आज आपको बहुत ज़्यादा आपके स्वाभिमान, आपके सम्मान को गंवाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पार्टनर की बातें सुननी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिश्ता निभाना पड़ेगा। एक आपको ऐसी एहसास, ऐसी स्थिति में आप चले जाएंगे जिसमें आप बहुत ही ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करेंगे जो आपको नहीं करनी थी। आप बार बार सोच रहे थे अब ये नहीं करना है, पार्टनर को माफ़ नहीं करना है, आप पार्टनर से अब फिर से रिश्ता नहीं जोड़ना है, ऐसी बातें आप सोच रहे थे, लेकिन अब वो फिर से आपके लिए बदल चुकी हैं, कुछ स्थितियाँ पुनः वही रूप ले चुकी हैं। आपने जो लास्ट चांस दिया है, लास्ट चांस उन्होंने जो मांगा है आपके पार्टनर ने, वो लास्ट चांस दे करके ही आपने गलती कर दी है। कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा कि आप कुछ ना कुछ गलत करने जा रहे हैं और आपने गलत कर दिया है। आज के दिन मैरिड लाइफ की स्थितियां काफ़ी हद तक पक्ष में आएंगी, मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन अपने पार्टनर की फैमिली का बहुत ज़्यादा सम्मान करना होगा और कोई व्यंग्यात्मक बात, कोई व्यंग, और अपने पार्टनर की फैमिली पर तो कतई कोई व्यंग बिल्कुल ना करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई थर्ड पार्टी परेशान कर सकती है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अपने पार्टनर से, अपने थर्ड पार्टी के जरिए आप कुछ ऐसी बातें देखेंगे, अपने पार्टनर को, अपने आप को कंपेयर करेंगे थर्ड पार्टी की वजह से, जो कंपेयर करने का तरीका होगा या जो सोच होगी उससे झगड़े हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अपने आप को किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, बातों को, चीज़ों को संभाल के चलें तो आपके लिए अच्छा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों सिंगल हैं तो आज कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है, लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं जाएंगे, मैरिड लाइफ में बहस हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी बहस का बहुत बुरा प्रारूप बना सकती है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आपको प्यार मिलेगा, आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर बहुत ज़्यादा खर्चे भी करवा सकता है, स्थिति बनेगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों आज आप बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बीतेगा आपका, और ख़ास करके जो लोग सिंगल हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा समय, डेट पर जा सकते हैं किसी के साथ में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी, और ख़ास करके लव लाइफ में आपके पार्टनर आज इमोशनल होकर के आपके प्रति बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, आपको गिफ्ट उपहार देने वाले हैं। आप आज इमोशनल इतने पार्टनर दिखेंगे कि आप कुछ भी कहेंगे वो मान लेंगे, आँख बंद करके मानेंगे, आँख अंधाधुंध प्यार करेंगे आपको। मैरिड लाइफ में भी चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, मैरिड लाइफ में पुनः वैसी स्थितियाँ बनेंगी जैसी आप चाह रहे थे, आप चाहते थे कि पार्टनर आपके प्रति स्टैंड लें, आपको समझें, और आपके जैसी स्थिति में वो अपने आप को ढालें, तो वो स्थिति बनेगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज दिन की शुरुआत ही खराब होने वाली है, यहाँ पर दिन सुबह ही पुरानी बातों को लेकर झगड़ सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर झगड़े शुरू हो सकते हैं, स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों सिंगल हैं तो आज किसी को प्रपोज ना करें, डेट पर ना जाएं। आज के दिन आपको कोई बहुत बुरी स्थिति में, विषम परिस्थिति में पड़ सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हो सकती है, आपके पार्टनर कुछ ऐसी आपको बातें बोल सकते हैं जिन्हें सुन करके आप व्यंग और बहुत ही एकदम दंग रह जाएँ।
आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में अचानक से पार्टनर आपको इग्नोर करने लगें और बहुत सारी स्थितियां ऐसी पड़ जाएं जिसमें आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ख़ास करके थर्ड पार्टी को दूर करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं लगातार, उसमें असफल होते हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन विशेष रूप से आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, दोस्त बन सकता है कोई। बहुत लव लाइफ में विश्वास खत्म हो गया था, पार्टनर फिर से विश्वास जताएंगे, आप पार्टनर के ऊपर विश्वास करेंगे, बहुत अच्छी स्थितियाँ बनती जाएंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से अगर निकले हुए हैं अभी तो आज के दिन खास करके बातचीत करते हुए आपको कुछ एहसास होगा जिससे पार्टनर के मन में क्या है वो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुश कर सकती हैं। कुछ पॉजिटिव बातें आपको पता लग सकती हैं। मैरिड लाइफ में चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पक्ष में आएंगी क्योंकि आपके पार्टनर आपको काफ़ी समझेंगे, हंसी मजाक करेंगे और कहीं घूमने फिरने ले जा सकते हैं, आपके साथ में घूमने जा सकते हैं पार्टनर। किसी बात को भुलाने के लिए, किसी पुरानी गलती को भूलने के लिए, पुरानी गलती से परेशान है आपके पार्टनर, उसको भूलने के लिए आपके साथ में घूमने जा सकते हैं। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ में बड़ा धोखा हो सकता है या कोई आपको ऐसी बात पार्टनर बोल सकता है जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चापलूस और बहुत ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो। वो हो सकता है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हो और वो आपको छोटी छोटी बातों को नोटिस करके आपको टॉर्चर करे, उससे भी थोड़ी परेशानी होगी। दोस्ती में ही थोड़ी बहुत परेशानी हो जाएगी। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर तो आपके झगड़े या ब्रेकअप की स्थिति भी नज़र आ रही है। फिजिकल बातें आज ज़्यादा करेंगे, फिजिकल रिलेशन के लिए ज़्यादा बातें करेंगे जिससे आपको उनके ऊपर शक होने लगेगा कि इनकी मनसा क्या है, इनके विचार क्या हैं। आज बहुत बड़ा कोई वादा कर सकते हैं लव लाइफ में जो एकदम झूठा होगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम नज़र आती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, शादी को लेकर कोई कमिटमेंट मिल सकता है, लव लाइफ बेहतर रहेगी, मैरिड लाइफ में चीज़ें आपको सुधारने की ज़रूरत है, खास करके अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज ब्रेकअप होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दोस्ती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर असफल होते हुए दिखेंगे। अपने आप को कंपेयर करना छोड़िए पहले। अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे ना तो दोस्ती ना लव लाइफ आपकी अच्छी हो पाएगी। अभी सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह जो है वो है आप अपने पार्टनर जिन्हें चाहते हैं उनसे आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। क्यों कर रहे हैं ये वजह आपको खोजनी होगी। अगर आप लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर ये गलती या इस बात को बदलिए, इस चीज़ को समझिए कि आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छे हैं और उसके दिल में आपके प्रति एक अलग स्थान है। लेकिन अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे किसी से और किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान कर देंगे जिससे आपका पार्टनर दिल और जान से चाहता है, भले ही वो किसी भी रिलेटिव व्यक्ति हो, कोई भी रिलेशन हो, उसके पेरेंट्स हो, तो वहाँ पर अपने आप को उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो परेशानी हो जाएगी और वहीं से आपके दिन की शुरुआत खराब होती हुई नज़र आएगी। झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है। आज के दिन अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। मैरिड लाइफ की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आपको आज परेशानी होगी और ख़ास करके आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। आप बहुत ज़्यादा हाइपर होंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बहुत बड़ा धोखा भी आज मिल सकता है, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, कोई लव लाइफ में प्रपोज बहुत ज़्यादा प्यार आपको जताता हुआ नजर आएगा। आज पार्टनर प्यार का एहसास बहुत कराएगा, आपको जताएगा कि हाँ मैं प्यार करता हूँ। और मैरिड लाइफ की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई देंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज मुलाकात हो सकती है, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों सिंगल हैं तो आज आप भूल से भी किसी को प्रपोज ना करें।
आज आप अपने पार्टनर को एक तरफा प्यार करें, आप जैसे चाहते हैं उसे पसंद करते हैं, एक तरफा प्यार करें, आज अपनी फीलिंग को व्यक्त न करें। पार्टनर को भी अगर प्यार करते हैं आप, किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी अपने प्यार को ज़्यादा जताएं ना। आप उनके प्रति कितने इमोशनल हो चुके हैं, अगर इस बात का एहसास उन्हें हो गया तो वो बहुत बुरा ईगो दिखाने लगेंगे। इसलिए आप अगर किसी के साथ में, अपने एक्स के साथ में रिश्ता सुधार चुके हैं या सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आज के दिन में, तो उनका कॉल मैसेज आते ही आज तुरंत आप अपने इमोशंस उन्हें दिखाने मत लग जाइएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। मैरिड लाइफ की चीज़ें काफ़ी हद तक चिड़चिड़ी और बहुत सारी स्थितियाँ वाणी पर नियंत्रण ना होने की वजह से बिगड़ सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर बहुत बुरी तरह से आपको छोड़कर जा सकता है या और उसे आपकी तकलीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपसे कोई बड़ा बदला भी लेने वाला है, ये स्थिति बन रही है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों सिंगल हैं तो आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं, आज कोई नई शुरुआत हो सकती है, लव लाइफ बेहतर रहेगी। आज आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और मैरिड लाइफ में चीज़ें आपके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, हंसी मजाक होगी और कहीं लंबी यात्रा भी हो सकती है। आज आपके भाई बहनों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ बच सकती है, डाइवोर्स इत्यादि होने से बच सकता है। कोई सुलह अगर इत्यादि करवाना चाहते हैं मैरिड लाइफ में तो अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प लीजिएगा, वो काफ़ी समझदारी से आपका जो समस्या है उसे सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज ज़रूरत से ज़्यादा आपके साथ में बहुत अपमान और बहुत सारे बिहेवियर उनका ख़राब होना, उससे आप परेशान होकर के उन्हें छोड़ने का फैसला ले सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, कम बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ज़्यादा बोलेंगे तो कोई दोस्त भी नहीं बनने वाला, दोस्ती में अगर कोई आने वाला भी है तो वो आपसे चला जाएगा, आपको इग्नोर करने लगेगा। और विशेष रूप से आप आज ज़्यादा हंसी मजाक में अपने पार्टनर के साथ में ऐसा कुछ मत कर जाइएगा जिससे परेशानी बन जाए। तो आज अपने हंसी मजाक और अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अपने मानसिक स्थिति पर भी आपको कंट्रोल रखना होगा, मन की बेचैनी आपको परेशान कर सकती है और मैरिड लाइफ की चीज़ें थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को या एक्स्ट्रा अफेयर को भी दर्शाती हैं। अगर मैरिड लाइफ में कोई एक्स्ट्रा अफेयर है तो आज आप बुरे फंस सकते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी स्थितियाँ ख़राब ही रहने वाली हैं। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।